हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुकेट जिला। आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप उस चीज के लिए तैयार हो जाएं, अपनी नोटबुक्स लिए और इनके नोट्स बनाएं। अगर आप ये नोट्स ऑनलाइन लेना चाहती है सो यू प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स ताकि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। पिछली बार जितने भी वीडियोस थी उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं उनको लिया है और आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और आज का जो हमारा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब रहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ताकि आपका एक बेसिक कंसेप्ट जो हो वो क्लियर हो जाए, आप देख सके कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो टूडे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज की हम पढ़ाई करेंगे और इसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द ऑब्जर्वेशन मेड बाय अवर स्टेट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग वायर को लिया गया था और स्टेट ने क्या ऑब्जर्व किया, वो करंट कैरिंग वायर जब लियो तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो बहुत बच्चे कई कई आंसर देंगे जबकि वेरी शॉर्ट है, तो ट्रू द पॉइंट आपको आंसर देना है ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले। सो हियर व्हाट ही ऑब्जर्व, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। उसने एक ही बात कही थी कि अगर आप कहीं से भी कोई भी करंट कैरिंग वायर लेते हैं, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और उसके पास कंपास लाएंगे तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मींस करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम कहते हैं हमारी जो अर्थ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप कहीं गुम हो जाते हैं या फिर कहीं आप शिप में है, अगर आप जंगल में है तो आप कैसे देखेंगे कि आप कैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन विद हेल्प ऑफ कंपास। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा हमने डिवाइस कहीं फिट किया हुआ है। ये क्या है, हम हमारी जो अर्थ है वो कैसे बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट। हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किया फील्ड को दिया था, तो नाम था विलियम गिलबर्ट। आप देख सकते हैं ये हमारे बोर्ड में आया हुआ है तो आप इसको याद कीजिए, विलियम गिलबर्ट। Now the next question is, how is the strength of magnetic field at a point near a wire related to the strength of current carrying flowing in the wire? कोई भी अगर आप वायर लेते हैं, कोई भी वायर लेते हैं, वायर में करंट मूव कर रहा है, आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोबारा से समझो, अगर हमने कहा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर आप करंट को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे तो मैम मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा होता है कि अगर एक चार्ज है जो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी का मतलब होता है वेयर द पोजिशन वी कैन से दैट इज फिक्स्ड, जो भी चार्ज है उसकी पोजिशन फिक्स्ड है, तो स्टेशनरी चार्ज क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज नो, ओनली ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों आंसर आपको मिल गए होंगे कि अगर चार्ज मूव करता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड व्हाट डज इट इंडिकेट। देखो इसने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेपरेट हो और वाइडली सेपरेट हो, तो उससे क्या पता चलता है कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। क्लोजनेस किसको शो करती है, क्लोजनेस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इट, कितना ज्यादा होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट इंडिकेट अ वीक मैग्नेटिक फील्ड विच इज द शॉर्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। बहुत बच्चे यहां मिस्टेक करती है, शॉर्टेस्ट क्या है मैग्नेटिज्म का, कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिज्म है या नहीं है। सो रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, रिपल्शन क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है किसका, मैग्नेटिज्म का। विच पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। अगर नॉर्थ को साउथ के साथ लेंगे तो इट मींस वो क्या करेगा, अपोजिट पोल्स है और अपोजिट पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, नॉर्थ पोल के साथ नॉर्थ पोल या फिर साउथ के साथ साउथ लेंगे तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दोबारा समझो, विच पोल ऑफ अ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, कौन से ऐसे पोल्स होंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वी कैन से द लाइक पोल्स, लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द साइंटिस्ट हु एस्टैब्लिश्ड
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अभी हमने कहा कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो किसने कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कौन था? एच सी ऑरेस्टिड ने ये कहा कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इंप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी को किससे कनेक्ट किया उन्होंने? मैग्नेटिज्म के साथ। तो कौन थे जिन्होंने रिलेशनशिप दिया दोनों के बीच में? वो थे एच सी ऑरेस्टिड। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड When the current is passed through a state conductor, किसी भी state conductor के अंदर अगर कहा जाए कि current pass करे तो magnetic field की shape बतानी है। कैसे बतानी है? हमने कहा था कि अगर कोई भी current carrying conductor है, आप एक cardboard लें और cardboard के ऊपर हम क्या करते हैं? Iron filings को spread कर देते हैं, इस तरह से iron filing। तो iron filing को जैसे spread करते हैं और करंट को पास करवाते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो आयरन फिलिंग्स होती हैं अपने आप को इस शेप में ले आती है। मींस इस तरह की शेप्स वहां पर प्रोड्यूस होती है क्योंकि सबके सर्कल के सेंटर सेम है। तो हम ऐसे सर्कल्स को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? इट फॉर्म्स अ कंसेंट्रिक सर्कल और वो हमेशा क्या होगा? जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। राइट, नाउ स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट के इनसाइड। देखो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान से समझनी है। अगर हम कह रहे हैं नॉर्थ और ये साउथ पोल होता है, ठीक है, तो हमारे को ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां से कहां तक होता है? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द बार मैग्नेट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? इनसाइड द बार मैग्नेट। तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इसको समझ लो अच्छे से, किसी भी बार मैग्नेट के अंदर इनसाइड कोई जल्दबाजी नहीं करनी पेपर के अंदर। बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन कितने टाइम पे करना है, ठीक है। अगर आप उसकी लिमिट को जान पाएंगे तो आप अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। लेकिन गलती क्या करती है? एक 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आप 4 लाइनें लिख रहे हो, 1 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आप 4 लाइन्स लिख रहे हो, जबकि टू द पॉइंट आप आंसर दो, स्टेट द डायरेक्शन। उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, सो वी विल स्टेट द डायरेक्शन ओनली, व्हाट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम गिवन टू द मैग्नेटाइट इन द अर्लियर टाइम। देख सकते हैं आप, ये पेपर में आया हुआ है। द नेम इज लॉर्ड स्टोन। क्या नाम दिया गया था मैग्नेटाइट को? तो नाम याद रखेंगे, लॉर्ड स्टोन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर मेंशन द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अभी हमने कहा इस क्वेश्चन को, अभी किया है इस क्वेश्चन को, किसी भी स्टेट कंडक्टर के अंदर अगर करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन। आपको किसी भी गिवन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करना है और कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। तो ध्यान रखो पैरेलल लाइंस, जो भी पैरेलल लाइंस होती है, ये जो पैरेलल लाइंस है आप देख सकते हैं विद इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैम जहां पर भी, यहां पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी, राइट। मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। इफ यू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर ये क्या होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो हम क्या करते हैं, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या शो करती है? कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म है इट मींस आप क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, राइट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है और वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल लाइंस बी। नाउ हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है,
अगर आप उसको प्लेस करेंगे तो कितना फोर्स वो एग्जर्ट करेगा। देखो हाउ मच फोर्स इज एग्जर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को, क्या बोला इसने, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो आंसर इज जीरो। क्या आएगा हमारे पास, फोर्स कितना होगा, जीरो। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अगर क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो व्हाट विल बी द फोर्स, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये भी कितना होगा हमारा, जीरो होगा। दोबारा समझ लो, अगर स्टेशनरी है तब भी जीरो होगा, और साथ में हमने कहा कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तब भी जो भी फोर्स होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। व्हाट हैपन व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसमें प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्या मिलता है उसको, फोर्स मिलता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द लॉ विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन ऐसा होगा जो फोर्स की डायरेक्शन देगा अगर किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को किसमें रखा जाए। पहले क्वेश्चन बताना था, बट आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि मैं इस क्वेश्चन को यहां बताऊं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस चीज को दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। तो अभी कुछ ही मिनट में आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर को कहां रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और वो फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देगा। Now, the next question is, what is the frequency of AC in India? AC, alternating current ki value kya hoti hai? The answer is 50 Hertz. Okay? What is solenoid? A very important question. Solenoid kya hota hai? It is a coil of many turns of wire. Agar hum kya karte hai? Wires ko turn karte hai. To ye pura ka pura jo ye banta hai, kis shape mein? Wrapped in a shape of a cylinder that forms a solenoid. ये क्या बन जाता है, solenoid बन जाता है। दोबारा समझ लीजिए, it is a coil, ऐसे coil जिसमें बहुत सारे turns होते हैं, किस shape में होती है, in the form of a cylinder, right? Now, how do we define the magnitude of the magnetic field? कैसे हमें पता चलेगा magnetic field क्या होता है, ठीक है? तो क्या कहते हैं हम, the force acting per unit current, per unit length on a wire placed perpendicular to the direction of a magnetic field is the magnitude of magnetic field. देखो जरा, थोड़ी सी complicated है, बस समझ लेते हैं। देखो, it is the force acting per unit current. ऐसा force जो किसमें काम करे, per unit current में, जबकि length of conductor को क्या होना चाहिए, one unit. और उसको प्लेस किया जाए कहां पर, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसकी यूनिट लेंथ है, और वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स जितना भी एक्ट कर रहा है, दैट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम कहां से देंगे, बाय दिस फॉर्मूला, एफ इक्वल टू कितना होता है, आईएलबी। एफ इक्वल टू आईएलबी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल ही होगा अगर यूनिट करंट और यूनिट लेंथ क्या हो, उसकी वैल्यू, मींस 1 एम्पियर करंट हो और साथ में लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। वेयर विल द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। कोई भी अगर आप सर्कुलर कंडक्टर लेते हैं तो आपको बताना है, लाइक दिस इज वी हैव एक क्वाइल, हमने लिया सर्कुलर क्वाइल लिया, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कब होगा। तो आप कहते हैं कि मैक्सिमम कैसे होता है, ये जो वायर होती है ना उसके चारों तरफ क्या करता है, ये सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है? तो ये कहता है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, तो क्या कहा इसने, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जो भी हमारे पास सेंटर होगा, लूप का सेंटर होगा, वहां पर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, राइट? ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। आप याद रखें, अ फोर्स विल एक्सर्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उसको क्या मिलता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज हियर, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सजेस्टेड दैट ए मैग्नेट शुड एक्सर्ट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन ऐसा था, किसने ऐसा बताया कि अगर कोई भी
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो क्या मिलता है उसको, फोर्स. सो दैट इज गिवन बाय एम्पियर. किसने दिया था? एम्पियर ने दिया था. व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय सॉलिड, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, सर्कुलर कॉइल्स है. तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है. आप देखेंगे कि सोलेनोइड के अंदर जो लाइंस होती है वो कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, व्हाट वी गॉट हियर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. राइट, नाउ नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग मैग्नेट. कैसे पता चला, कैसे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे ने ही किया था. आंसर यहीं पे आ गया, माइकल फैराडे ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर जो भी कॉइल थी उसके अंदर क्या हुआ था, करंट प्रोड्यूस हुआ था. इंड्यूस जो हुआ करंट बिकॉज ऑफ मैग्नेट इज गिवन बाय फैराडे. किसने दिया था ये, फैराडे ने. व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय सोलेनोइड, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी सोलेनोइड के अंदर. तो अभी हमने कहा था क्या, अ सोलेनोइड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट. बार मैग्नेट जिस तरह से क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. देखो ये बार मैग्नेट है, हम कहते हैं ये है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल. तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है सेम एज इट इज. अगर आप क्या करते हैं, कोई भी सोलेनोइड कंसिडर करते हैं तो एक पोल क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक क्या करता है, साउथ पोल की तरह. और उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इस तरह से होती है. राइट, और ध्यान रखें कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डिक्रीज इन सोलेनोइड. तो याद रखिए सोलेनोइड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एन. मींस अगर आप करंट को बढ़ाएंगे सोलेनोइड में तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो भी यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा. राइट, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डिक्रीज इन ए सोलेनोइड द स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डिक्रीज. तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डिक्रीज करेंगे तो वहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, द वर्ड मैग्नेटिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लेस मैग्नेसिया. कहां से आया था, मैग्नेसिया से. मैग्नेसिया का मतलब होता है वेयर द नेचुरल मैग्नेट्स वर फर्स्ट फाउंड, जहां पर मैग्नेट सबसे पहले जहां मैग्नेट मिले थे वो प्लेस था मैग्नेसिया. राइट, नाउ व्हाट इज एक्सआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हम कहते हैं बी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और जो यूनिट होती है वो क्या होती है उसकी, टेस्ला, या फिर कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ विच पोल ऑफ द टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. कौन से ऐसे पोल होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे, हमने अभी बात करी थी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मींस कौन से पोल होते हैं, अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग एंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. क्यों हमें एप्लायंसेस, जो भी हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज करते हैं उनकी अर्थिंग करनी चाहिए. अ मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस इज टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. अगर अर्थिंग होगी तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, किसमें, अर्थ में चला जाएगा, और इससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए. व्हाट नेम इज गिवन टू द डिवाइस व्हिच ऑटोमेटिकली कट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट. अगर हमारे घर में कहीं पर भी बाय चांस शॉर्ट सर्किट हो तो कौन सा ऐसा डिवाइस होगा जो हमें बचाएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज. हमने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था किसमें, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग. इट्स अ फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज. क्या उसे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल. अगर पैरेलल में होगा तो क्या होगा, करंट दूसरी तरफ से चला जाएगा, तो वो तो फिर क्या होगा, हमारे घर में चला जाएगा और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होंगे वो खराब हो जाएंगे. तो आपको याद रखना है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट का क्या एडवांटेज होता है, द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. आप इसको इजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. राइट, नाउ What will happen to the strength of the magnetic field if the number of turns in the solenoid increase? हमने कहा
बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई इंटू एन के। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां पर इंक्रीज हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ विल इंक्रीजेस। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ ए सॉफ्ट आयरन पीस इज प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। अगर आप कह रहे हैं सोलेनोइड के अंदर अगर आप क्या करती हैं उसके अलोंग एक आयरन पीस लें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो इट विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल वायर डिपेंड। कितने ऐसे फैक्टर होंगे, कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनके ऊपर क्या करता है कोई भी एक करंट कैरी सर्कुलर वायर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट डिपेंड ऑन, अभी हमने बात करी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट ज्यादा होगा या कम होगा, मींस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई। और दूसरी बात करते हैं किसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस मींस 1/r। आप कह रहे हैं करंट कैरिंग वायर है, करंट को इंक्रीज करो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम यहां पर कहें कि ये जो डिस्टेंस जो रेडियस है उसको इंक्रीज करेंगे तो जैसे जैसे मैग्नेट से दूर होंगे करंट कैरिंग वायर से दूर होंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। देयर आर टू फैक्टर याद कीजिए, एक होता है करंट और दूसरा क्या होता है हमारा रेडियस। राइट, डस अ न्यूट्रॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। अगर कोई भी न्यूट्रॉन लिया जाए और उसको कहां रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उसको एक्सपीरियंस होगा कोई फोर्स, सो आंसर इज नो, बिकॉज इट हैज नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो हाउ इट कैन मूव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन द गिवन सर्किट PQR एंड PSR आर द सेमी सर्कल्स। हमारे पास दो सेमी सर्कल्स है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। देखो आप देख सकती हैं हमारे पास क्या है, PQR और PSR क्या है, सेमी सर्कल्स है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि जो सेंटर होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सो द वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। कितनी होगी, ये जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि टोटल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। अगर इक्वल और अपोजिट है तो वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, यहां पर जीरो हो जाएगी। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूजुअल रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज फर्स्ट इन द लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट में कैसे होती है, एंड इन द पावर सर्किट ऑफ अ स्मॉल हाउसेज। सो व्हाट इज द रेटिंग, द लाइटनिंग रेटिंग इज 5 एम्पियर, कितना होता है 5 एम्पियर, और दूसरा पावर सर्किट में कितना होता है 15 एम्पियर। तो आप इसको याद कर लीजिए। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज ऑफ अ सप्लाई, 50 हर्ट्ज ऑफ अ सप्लाई। तो ध्यान रखिए 50 हर्ट्ज मीन्स 50 साइकिल पर सेकेंड। वट इट मीन्स 50 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल इन्वॉल्व 2 चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। एक जो साइकिल होती है उसमें क्या होती है, 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है। सो 50 हर्ट्ज एसी मीन्स करंट चेंजिंग डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स, 100 टाइम्स इन अ सेकेंड। ओके, थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज वेपर। अभी हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको 2 यूनिट होती है उसकी, एक तो टेस्ला और एक वेपर पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो याद रखिए फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एसआई यूनिट क्या है, वेपर पर मीटर स्क्वायर, तो वो क्या रहेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग, कौन सी होती है, वो फ्यूज होती है। और विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज अ फ्यूज वर्क, कौन सी ऐसी इफेक्ट होती है जिससे ये फ्यूज क्या होता है, वर्क करता है। तो हम कहते हैं ज्यादा अमाउंट में करंट जाएगा तो ये जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो अगर ये वायर मेल्ट होगी तो कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट। ओके, टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज होगा तो हम कहते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, टाइम बढ़ेगा तो अगर करंट बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। तो फ्यूज वायर क्या हो जाती है, इसकी मेल्ट हो जाती है। What are the two ways by which we receive the supply of electric power through the mains in a home? कौन से ऐसे तरीके होते हैं, कौन से ऐसे दो तरीके होते हैं जिनसे हमारे को करंट मिलता है। तो क्या कहते हैं, कैसे सप्लाई मिलती है, we receive the supply of electric power through mains either by the underground cables or through the overhead electric poles. Poles लगाए जाते हैं या फिर underground क्या होती है, cables लगाई जाती हैं। Now, what is the potential difference between the live wire
and neutral wire. So in India, the potential difference between the live wire and neutral wire is 220 volt. कितना होता है 220 volt. आपको पता ही होगा जितना भी potential difference हमारी India में है वो कितनी value होती है उसकी 220 होती है. Now what is alternating current? If a current changes direction after equal interval of time, अगर वो अपनी direction को change करता है कैसे in a equal interval of time, तो हम कह रहे हैं वो क्या हो रहा है alter हो रहा है चेंज हो रहा है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अल्टरनेटिंग करंट. इसी वजह से हम क्या कहते हैं उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्यूज रेटिंग. द मैक्सिमम सेफ करंट अलाउड टू फ्लो थ्रू अ फ्यूज. मैक्सिमम सेफ करंट जो फ्यूज में से जा सकता है मतलब मेल्ट होने से पहले कितना भी जो करंट जा सकता है उसके अंदर से उसको हम क्या बोलते हैं फ्यूज रेटिंग. अगर उसके ज्यादा अमाउंट में जाएगा अगर वैल्यू को हाई करेंगे तो क्या होगी ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी. ओके सो बिफोर दैट जो वैल्यू मैक्सिमम सेफ करंट उसमें से अलाउ होता है पास होने के लिए उसको हम क्या कहते हैं फ्यूज रेटिंग कहते हैं. ओके नाउ व्हाट इज डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट ऐसा होता है जो क्या करता है अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता. तो इट मीन्स अ करंट इन विच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द टाइम. जो वैल्यू चेंज नहीं होती अ करंट इन विच द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद द टाइम दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन करंट. कौन सा होता है हमारा डायरेक्शन करंट. नाउ राइट द टू पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. तो हमने कहा था एक होती है शॉर्ट सर्किट और दूसरी होती है ओवरलोडिंग. शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग. तो इस तरह से हमने आज अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके. And if you want these questions, please write in comment box. I will provide it to you. And for it, please like the video. ताकि मैं भी motivate हूँ और आपके लिए अलग अलग different questions जो आपके board के लिए important हो like very short, long question answer, competency based questions, assertion, reason, इस तरह के questions आपके लिए prepare करूँ. Thank you.